खलील रहमान कमर को हनी ट्रैप करके तवान मांगने की तश्वीश में बड़ी पेशरफ्त हुई है। हनी ट्रैप गैंग के मास्टरमाइंड हसन शाह को साथी रफीक के साथ पिशावर से गिरफ्तार कर लिया गया। डॉन न्यूज़ की रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस ने बताया कि मुलजिम ने खलील रहमान कमर की काबिल एतराज़ वीडियो भी वायरल कर दी है, जबकि मुलजिम खवातीन समेत 12 अरकान पर मुश्तमिल ग्रोह का मरकजी किरदार है। मुलजिम का बयान में कहना था कि खलील रहमान कमर स्क्रिप्ट के लिए नहीं गलत इरादे से खातून के घर गए। खलील रहमान कमर ने नाजेबा वीडियोस की वजह से अगवा का वावेला किया। पुलिस ने बताया कि दोनों मुलजिमान से मजीद तफ्तीश जारी है। खातून समेत 12 मुलजिमान को पहले गिरफ्तार किया जा चुका है। वाजिर है गुज़श्ता रोज कहा गया था कि खलील रहमान कमर को ड्रामा बनाने का झांसा देकर रात को बुलाने के बाद अगवा और मुबैना तशद्दुद का निशाना बनाने वाले मुलजिम ने दावा किया कि इनके पास ड्रामा साज की नाजेबा वीडियोस मौजूद हैं। खलील रहमान कमर के अगवा और इन्हें तशद्दुद का निशाना बनाने के केस में मुलव्वस मफरूर मुलजिम हसन शाह ने एक न्यूज़ को दिए गए इंटरव्यू में तहलका खेज इंकशफात भी किए थे। इन्होंने दावा किया था कि ड्रामा साज के पीछे आमना उरूज नहीं बल्कि खुद खलील रहमान कमर इनके पीछे पड़े हुए थे। इनके मुताबिक अगर खलील रहमान कमर के मोबाइल का कॉल डेटा यानी CDR निकलवाया जाए तो साफ पता चल जाएगा कि कौन किसको पहले कॉल्स करता था। मुलजिम हसन शाह का दावा था कि खलील रहमान कमर ने जिस खातून आमना उरूज पर इल्ज़ाम लगाया है कि वो इनके पांव तक चूमते रहे हैं और इनसे कहते रहे हैं कि इन्हें इनसे मोहब्बत हो गई है। इनके मुताबिक आमना उरूज मॉडल रही हैं। इनकी जैसे ही खलील रहमान कमर से पहली मुलाकात हुई तो इनके दरमियान ताल्लुकात बढ़े और बाद हज़ार ड्रामा साज ने इनसे ये कहना शुरू कर दिया कि इन्हें मॉडल से मोहब्बत हो गई है। याद रहे आमना उरूज इस वक्त पुलिस तहवील में हैं। ख्याल रहे कुछ दिन कबल ही इन्हें खातून की सरबराही में एक गैंग ने ड्रामा बनाने के बहाने बुलाने के बाद अगवा करके मुबैना तशद्दुद का निशाना बनाया था और इनसे नकदी रकम और सामान भी लूट लिया था। खलील रहमान कमर को अगवा किए जाने के बाद पुलिस ने मुकदमा दायर करते हुए इनके अगवा में मुलव्वस मरकजी मुलजिमा खातून आमना उरूज समेत दीगर अफराद को गिरफ्तार कर लिया था। बाद हज़ार ड्रामा साज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए अजीब मंतक पेश की थी कि वो बीमार हैं और डॉक्टर ने इन्हें दिन में सफ़र करने से रोका है, इसलिए वो रात को 4 बजे खातून से मिलने गए थे।